राजधर में हम लगातार बात कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव की, और अगर कर्नाटक में कांग्रेस को अपनी सत्ता बचानी है तो उसे मैसूर के इलाके में जीत ज्यादा अंतर से दर्ज करनी होगी, लेकिन यहां उससे कड़ी टक्कर मिल रही है जेडीएस। नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी अवरिगे। बोलो भारत माता की। दक्षिण कर्नाटक यानी मैसूर क्षेत्र की लड़ाई में बाजी मारने के लिए सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। कर्नाटक के चुनावी रण में मैसूर कौन जीतेगा, ये लाख टके का सवाल है, क्योंकि जानकारों के मुताबिक मैसूर की हार जीत ही तय करती है कि बेंगलुरु की गद्दी पर कौन बैठेगा। मैसूर इलाके में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी भी खूब जोर लगा रही है, लेकिन क्षेत्र में दो पार्टियों की बढ़त मानी जाती है, कांग्रेस और जेडीएस, क्योंकि इसी इलाके में मौजूदा सीएम सिद्धारमैया का घर है, तो जेडीएस चीफ देवगौड़ा भी मैसूर से ही आते हैं। 224 सीटों वाले कर्नाटक की 52 सीटें मैसूर क्षेत्र में है। 2013 के चुनाव में कांग्रेस को 25 सीटें, जेडीएस को 20 और बीजेपी को महज 2 सीटें मिली। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 28 लोकसभा सीटों में से 9 पर जीत दर्ज की, इस लिहाज से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 34 विधानसभा सीटों पर बढ़त थी, तो 2014 लोकसभा चुनाव के लिहाज से ही बीजेपी को 10 और जेडीएस को 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त थी। आंकड़ों से जाहिर होता है कि इलाके में बीजेपी कभी जीत नहीं पाई और मुख्य मुकाबला कांग्रेस जेडीएस में ही है। यही वजह है कि दोनों ओर से बढ़ चढ़ कर दावे किए जा रहे हैं। टोटल 52 सीट्स इलेक्टेड, 40 सीट्स। तो व्हाट इज द इक्वेशन बिहाइंड दैट फिगर? इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू आर गेटिंग 46, व्हाट इज द इक्वेशन? टोटली कर्नाटक स्टेट 100% 115 सीट्स इलेक्टेड, 100% कमिंग टू गवर्नमेंट नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी। चामुंडेश्वरी सीट से सीएम सिद्धारमैया को चुनौती दे रहे जीटी देवगौड़ा का दावा है कि जेडीएस किंग मेकर नहीं किंग बनेगी, तो कांग्रेस का भी 52 में से 40 सीटों पर जीत का दावा है। फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम साउथ, द पीपल आर नोइंग दैट वी आर वोटिंग टू ए चीफ मिनिस्टर, नॉट वी आर वोटिंग एन ऑर्डिनरी एमएलए। द पीपल ऑफ साउथ कर्नाटका वोटिंग फॉर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेटचर। टेल मी हाउ मेनी सीट्स यू विल विन इन माय। डेफिनेटली मोर देन 40। कांग्रेस नेता अपने इस भरोसे का आधार सीएम सिद्धारमैया की लोकप्रियता और उनकी लोकप्रिय योजनाओं को मानते हैं, लेकिन कांग्रेस को एक बात की चिंता भी सता रही है, और वो ये कि कहीं कांग्रेस को रोकने के लिए जेडीएस बीजेपी ने पर्दे के पीछे हाथ तो नहीं मिला लिया है। इस संदेश को तब और हवा मिली जब खुद मोदी ने मंच से देवगौड़ा की तारीफ कर दी। देवगौड़ा जी हिंदुस्तान के वरिष्ठ सम्माननीय नेताओं में से एक है, ये मुझे भूलने का कोई हक नहीं है। माना जा रहा है कि सिद्धारमैया चामुंडेश्वरी सीट से अपनी जीत को लेकर पक्के नहीं है, शायद इसी वजह से उन्होंने बादामी सीट से खड़ा होकर दूसरा विकल्प भी तैयार रखा है। कांग्रेस का गणित दलित मुस्लिम सिद्धारमैया की जाति कुर्बा के साथ साथ उम्मीदवारों की अपनी जातियों के वोट पर भी टिका है। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो दावे करने में वो भी पीछे नहीं। पार्टी नेता कहते हैं कि मैसूर इलाके में वो कमजोर हैं, ये पुरानी बात हो गई है, अव्वल तो ये कि यहां भी अब पीएम मोदी की हवा चल रही है। मैं मानता हूं हमारा वीक था, अभी वीक नहीं है। क्यों बोले तो अभी मैसूर में हवा चल गया है, यहां तो मोदी जी का हवा चल रहा है। मोदी जी की हवा से हम जरूर इस बार 52 सीट में कम से कम 25 सीट जीत सकते हैं। लेकिन क्षेत्र की राजनीति को करीब से जानने समझने वाले एक्सपर्ट अब भी मानते हैं कि मैसूर में नंबर वन पार्टी तो कांग्रेस ही रहेगी। देयर आर 52 कॉन्स्टिट्यूएंसीज व्हिच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ कांग्रेस, जेडीएस एंड बीजेपी। पॉलिटिकली स्पीकिंग सर, कांग्रेस इज नंबर वन because of social commitment, because of Indira Gandhi's policy, Devaraj Arasu's contribution, Siddaramaiah Saab's progressive, people-oriented programs like Anna Bhagya, Bhagya Lakshmi, etc. Siddaramaiah Saab ne yahan ka aadmi hai. Out of 52, sir, more than 30 seats, Congress is going to win some.
अनदर 15 एब्सोल्युटली जेडीएस। तो जाहिर है चाहे कांग्रेस को कर्नाटक का किला बचाना हो या फिर जेडीएस को किंग मेकर से किंग बनना हो, रास्ता तो मैसूर से होकर ही निकलता है। कर्नाटक के मैसूर से जैनेन्द्र कुमार की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।